everyone welcome back to your lesson with me i'm your educator sonali and today we are going to cover chapter 8 civics rural livelihoods so our contents for today are going to be life in rural areas in the kalpatu village being in debt agricultural laborers and farmers in india and rural livelihoods before we begin i am sunali and i am a social studies educator at unacademy my educational qualifications are that i have done a bachelor of arts honors from ashoka university in psychology and international relations i am currently doing an advanced research studies diploma and i have worked as an academic researcher at a couple of places i can speak in hindi and english both do you want to ace your school exams with unacademy

और आपको क्या मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ऑल कोर्सेज के यू गेट टॉट बाई टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आप रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं आंसर राइटिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं देर इज एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस ऑल कंटेंट इज कवर थोरली मेंटरशिप मिलती है आपको गाइडेंस मिलती है स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स के फॉर्मेट में आपको मिलता है और आप प्रैक्टिस टेस्ट का भी आ, फायदा उठा सकते हैं जो आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट सीरीज फिर आपको बैच कोर्सेज में डाला जाता है डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वीकली मॉक टेस्ट होते हैं लाइव क्विजेस होती हैं डेली एमसीक्यू सब्जेक्टिव टेस्ट सब कुछ मिलता है आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में ठीक है प्राइसिंग का देखेंगे तो ट्वेंटी फोर के लिए अगर आप पहले वन जीरो फोर टू पर मंथ दे रहे थे मेरे कोड के साथ विच इज़ एस पी जीरो वन You will now just be paying 938 per month पर मंथ अब अगर आपको अपनी सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए आपको लगता है कि आपको यू you नो know, थोड़ी और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए अपने अकेडमिक्स में तो हमारे पास एक और सब्सक्रिप्शन है जो कि है अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड उसकी फीचर्स क्या है यू गेट पर्सनल मेंटरशिप विच इज वन ऑन वन गाइडेंस ऑल्सो from top educators in your subject and you get uh, live doubt clearing sessions which is attending exclusive doubt clearing classes to discuss all your academic doubts you get a weekly report which is a detailed report on classes attended and your performance parent connect there are open hours that parents can come and ask their, the mentors any questions that they might have You had a study planner, which is a study tracker plan with monthly reviews, and it tracks all your progress. And of course, you get all the benefits of the An Academy subscription. Pricing का अगर देखेंगे तो similarly अगर आप मेरा code use करते हैं तो पहले अगर 24 months के लिए आप 2000 per month दे रहे थे, अब आप सिर्फ 1800 per month देंगे। अगर आपको अन अकेडमी की फ्री स्पेशल क्लास ट्राई करनी है तो उसके भी फीचर्स जान लेते हैं यू गेट लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड ए यू कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब यू गेट पार्टिसिपेट इन लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विजिज एंड आपका नाम लीडर बोर्ड पर आएगा अगर आप क्विजेज में पार्टिसिपेट करेंगे एंड अच्छा स्कोर करेंगे सो ऑल ऑफ दिस इज़ आर स्पेशल क्लास फीचर्स जो कि आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर ट्राई आउट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट

तो ये जो विलेज है इसके आसपास क्या है हिल्स है लेकिन छोटी हाइट की हिल्स एंड द रेजिडेंस रूरल लाइफ इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर तो जो भी कल पाटू विलेज में द पीपल दैट स्टे जो भी लोग रहते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है एग्रीकल्चर तो मोस्ट पीपल हु लिव इन दिस विलेज अर्न देयर डेली इनकम और अर्न देयर मनी ऑन एवरीडे बेसिस फ्रॉम एग्रीकल्चर सो दिस मेक्स इट द रूरल लाइफ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोग एग्रीकल्चर में है ठीक है ना क्योंकि मेजोरिटी लोग एग्रीकल्चर में है और क्योंकि ये एक एरिया में हो रहा है तो ऐसे भी हो सकता है कि उस एरिया का एक मेजर क्रॉप हो है ना तो वो क्रॉप क्या है ना पैडी इज द प्रिंसिपल क्रॉप फार्म इन दिस एरिया तो इस एरिया का जो मेजर क्रॉप है जो मैक्सिम विजर्स uh, उगाते हैं वो कौन सा है पैडी ठीक है अब इसके अलावा वहाँ पे और क्या चीजें हैं इसके अलावा वहाँ पे मैंगो ऑर्चिड्स कोकोनट ग्रोव्स केन कॉटन एंड प्लांटेन्स कैन ऑल्सो बी पाउंड तो अलॉन्ग विद पैडी विच इज द मेन प्रिंसिपल क्रॉप जो कि इस विलेज में होता है यू कैन ऑल्सो फाइंड मैंगो ऑर्चिड्स देर आर कोकोनट ग्रोव्स मैंगो कोकोनट शुगर केन कॉटन एंड प्लांटेन्स जैसे भी प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं ठीक है क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग अब हमने जान लिया कि मजोरिटी लोग तो कालपाडू विलेज में फार्मिंग करते हैं लेकिन अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग सम पीपल वर्क इन अ वाइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन एज़ वेल ठीक है तो जो नाइन्टी परसेंट लोग हैं अगर एट्टी नाइन्टी परसेंट लोग आप लगा लीजिए कि फार्मिंग में काम करते हैं उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन लॉरी ड्राइविंग बास्केट मेकिंग एंड सोन सो दीज आर समाइप ऑफ टास्क एंड जॉब्स दट पीपल डू हुआ नॉट इन्वॉल्व इन फार्मिंग ओके नाउ अलोंग विद दिस पीपल ऑल्सो वर्क इन अ वाइटी ऑफ बिजनेसिस ऑन द मेन स्ट्रीट ठीक है विच रिजेंबलार तो बाजार क्या होता है मार्केट प्लेस तो इसके अलावा पीपल ऑल्सो हैव अ वराइटी ऑफ बिजनेसेस जो कि मेन स्ट्रीट में, में जिसमें लोग काम करते हैं जैसे कि कोई बाजार है और रेट जैसे कि टी शॉप्स हैं वहाँ पे वहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स हैं वहाँ पे बाबर शॉप है टेलर है फर्टिलाइजर सीड स्टोर्स ये सब चीज़ें भी मेन बाजार मेन काम में वहाँ ये काम करते हैं तो शॉपकीपर्स की तरह भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह भी काम करते हैं लॉरी ड्राइविंग करते, है, करते हैं बास्केट मेकिंग करते हैं सो ऑन तो अपार्ट फ्रॉम दी पीपल हु वर्क इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर दीज आर द काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट दिस रूरल Village, which is Kalpattu, पे लोग करते हैं तो ये हमारे हम पढ़ रहे हैं है, किसके अंडर आते हैं मॉर्निंग टिफिन दोसा इवनिंग स्नैक्साइसोर पार्कोल्ड अब मॉर्निंग में इस एरिया में टिफिन सिस्टम की तरह पे इडली डोसा उपमा भी बेचा जाता है लोग बना के इनको बेचते होंगे और शाम में स्नैक्स बहुत फेमस जो बेचे जाते हैं वो कौन से हैं वड़ा बोंडा माइसोर पाक एंड एक्सेट्रा तो so, ऑल ऑफ दीज जो भी ये डिस्क्राइब कर रहे हैं दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स द वे पीपल अर्न देयर लिविंग इन दिस एरिया विच इज अ रूरल विलेज ओके नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ बींग इन डेट

तो जो लोन आपको लौटाना है उस चीज की आप डेट में है ओके नाउ टू बाय बाईल आइटम्स जैसे कि सीड्स फर्टिलाईजर इंसेक्टिसाइड्स स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं वो बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स होते हैं ना जिनके पास बहुत पैसा होता है उनसे मनी बोरो करते ठीक है सो so अब वो इन मनी लेंडर्स से क्या लेते हैं लोन जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं और क्यों लेते हैं लोन क्योंकि उनको सीड्स फर्टिलाइजर्स इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड्स जैसी चीज़ें खरीदनी होती है अपने क्रॉप के लिए तो वो मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं ठीक है नाउ दिस डील विद कैटोफिक क्रॉप फेलियर्स अब क्या होता है कई बार कि बिकॉज ऑफ वेदर और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन जो हम अभी पढ़ेंगे क्रॉप कई बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता तो उनको क्या सहने पड़ते हैं ये इतना बड़ा उनको क्रॉप फेलियर भी सहना पड़ता है अपने साइड से और ये छोटे फार्मर्स हैं इनके पास कोई एक्स्ट्रा मनी तो है नहीं कि ये सब कुछ फिक्स कर लें या अपना घर चला लें अगर इनका फार्म क्रॉप नहीं दे रहा है तो भी अब ये जो क्रॉप फेलियर है ये किन किन चीज़ों से हो सकता है या तो सीड क्वालिटी जो सीड्स ये लगाते हैं उसकी क्वालिटी लो थी ऐसे हो सकता है राइट ठीक है और कैसे हो सकता है पेस्टासोल्ड्स हो सकता है कि कीड़े पेस्ट आ गए उनके क्रॉप पे या फिर इट कैन ऑल्सो भी ड्यू टू दैक ऑफ रेन कि अगर मानसून सीजन में अच्छे से बारिश नहीं हुई तो हो सकता है उनका क्रॉप अच्छे से ग्रो ना हो तो ऑल ऑफ दीज रीजन आर सम समीजन की स्मॉल फार्मर्स को जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर um, सहने पड़ते हैं ठीक है अब फार्मर्स आर समाइम्स अनएबल टू पे द लोन्स वेन दिस अकर्स तो कई बार क्या होता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फेलियर्स फार्मर्स कान पे दे लोन तो उन्होंने जो मनी लेंडर से लोन लिए होते हैं वो कई बार वापस पे नहीं कर पाते अब उनका क्रॉक भी नहीं होगेगा वो बेच ही नहीं पाएंगे तो वो क्या पे बैक करेंगे उनको मनी कहाँ से मिलेगा तो अब वो लोन्स पे करने के लिए उनको और लोन्स लेने पड़ते हैं टू कीप द फैमिली ऑफ फ्लोट अपना खाना पीना करने के लिए डेली और ये सब करने के लिए उनको और लोन्स लेने पड़ते हैं ओके okay, तो फार्मर्स ये जो चेन है ना ये जो हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि एक लोन लिया उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है या अपनी फैमिली को uh, सुबह शाम खाना खिलाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है ऑल ऑफ दिस कैन बी कॉल्ड एज बींग इन डेट ओके डी ई बी टी डेट अब ये क्या होता है कि ये रीपे करते हुए ये स्मॉल फार्मर्स को काफी दिक्कतें आती हैं बिकॉज मनी लेंडर्स ऑल्सो वॉन्ट द मनी बैक और राइट इवेंचुअली क्या होता है कि जो लोन होता है ना जो ये हम बात कर रहे हैं ना कि एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया या फैमिली को खाना देने के लिए लोन लिया या अपने फैमिली uh, को जिंदा रखने के लिए अपना डे टू डे खर्चा निकालने के लिए लोन लिया उसके बाद ये लोन इतना बड़ा हो जाता है ना द लोन ग्रो सो ह्यूज दैट दे आर अनएबल टू रीपे डिस्पाइट तब क्योंकि ये लोन पे लोन पे लोन लेते रहते हैं ठीक है तो कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा लोन बन जाता है कि वो ऑन तो कर रहे होते हैं लेकिन क्योंकि इतना बड़ा लोन है कि वो चुका ही नहीं पाते इन एनी कंडीशन तो आजकल क्या हो रहा है ये काफी ज्यादा एक रिसेंट रीजन है कि दिस इज मेजर सोर्स ऑफ मिजरी अमंग रूरल रेजिडेंट्स तो जो भी ऐसे रूरल जगहों में रहते हैं जो मेन फार्मिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है जो आजकल बहुत हो रही है कि दे आर बीइंग स्टक इन लोन साइकिल्स एंड दे आर इन एक्सेसिव डेट एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू पेड बैक अब इसकी वजह से क्या हो रहा है मेनी फार्मर्स आर नाउ कमिटिंग सुसाइड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रिगो वॉर्निंग हर वी आर यूजिंग अवर्ड but just to make sure that you know what is happening around okay so being in debt can be even leading to suicide in farmers and in rural areas where it's very uh, very dangerous because they have no options of paying back their money they are just stuck in loan cycles and money lenders sometimes um, just want them to pay their money back okay एस यू कैन सीन दिस पिक्चर दिस इज पैडी ग्रो दिस इज द पैडी क्रॉप ग्रोइंग जैसे जो हमने विलेज की बात करिए वहाँ पे जो मेन क्रॉप है पैडी है तो ये है पैडी ग्रोइंग इन फार्म इन अफ्यू ऑफ रामलिंगम्स ट्वेंटी एकर्स तो रामलिंगम एक हम फार्मर की बात कर रहे हैं अब ये काफी हार्ड लेबर की वजह से इतना ट्वेंटी एकर्स में पैडी ग्रो हो रहा है कुछ वर्कर्स के मेहनत के बाद इंडिया okay? in in अब जो भी रूरल एरियाज रूरल विलेजेस में फैमिलीज रहती हैं, जो एग्रीकल्चरल फैमिलीज हैं उसमें से फोर्टी परसेंट वही हैं, एग्रीकल्चर में बिलोंग करते हैं ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम शेखर का ठीक है ऐसे ही कुछ स्मॉल फार्मर्स हैं हु प्रोजेस ओनली इनफ लैंड टू सूट देर रिक्वायरमेंट्स जिनके पास छोटा पीस ऑफ लैंड वो ओन करते हैं लेकिन उस लैंड से सिर्फ उनका ही गुजारा हो सकता है उनकी ही जो रिक्वायरमेंट्स है फूड की उनकी फैमिली की वही पूरी होती हैं ठीक है थीके? तो इंडिया में ये जो ग्रुप है ना जिनके फार्मिंग जिनके लैंड से सिर्फ उनका ही गुजारा होता है ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ द फार्मर्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया वेर एज द रिमेनिंग ट्वेंटी परसेंट आर फार्मर्स हु वर्क इन अदर पीपल्स फार्म तो एट्टी परसेंट कौन है जिनके पास अपना छोटा एक पीस ऑफ तो लैंड है एंड वो जितना उनको रिक्वायर्ड होता है उतना ही उगाते हैं उतना ही खाते हैं दैट इज दर डेली लाइवलीहुड ठीक है लेकिन उसके अलावा ट्वेंटी परसेंट ऐसे हैं जो दूसरों के फार्म में काम करते हैं या फिर जिनके पास छोटा नहीं बड़ा पीस ऑफ लैंड है ताकि वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसको खाने के अलावा उसको बेच भी पाए इन मार्केट प्लेसेस, एंड जो भी उनका प्रोड्यूस है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उन उस प्रोड्यूस से उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ऐसे सिर्फ कितने ट्वेंटी परसेंट सच ए स्मॉल नंबर ठीक है

ठीक है ना अपार्ट फ्रॉम दिस फार्मिंग ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिनकी हम बात करें अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग और कौन से टाइप के ऑक्यूपेशंस हैं जो एग्रीकल्चर के उसमें अंडर ही आते हैं जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्रोडक्शन फिशिंग एंड अदर्स ना एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है रियरिंग uh, एनिमल जैसे आप देखते हैं ना कैटल काउज एनी डोमेस्टिक एनिमल उनको रेयर करना कॉन्स्टिट्यूट एज एनिमल हजबड्री नाउ देर इज ऑल्सो डेरी प्रोडक्शन ठीक है पीपल हु प्रोड्यूस मिल्क पीपल हु मेक घी आउट ऑफ दैट मिल्क और पीपल हु यू नो मिल्क काउस ऑन अ डेली बेसिस एंड देन दे सेल दैट मिल्क फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड दे कम अंडर डेयरी प्रोडक्शन देन देर आर फिशरमैन लाइक यू इन दिस पिक्चर

फॉर देयर लाइवलीहुड एंड सेकेंड किस पे लाई करते हैं जो सेंट्रल एरिया में उनके उनके रूरल एरियाज विलेजेस के अराउंड फॉरेस्ट होते हैं उन फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं उससे वो अपना लाइवलीहुड बनाते हैं या तो उनको रिफाइन करके बेचते होंगे या उनको यूज़ करते होंगे ठीक है और एक काम जो होता है जैसे कि सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर उसको नियरेस्ट टाउन पहुंचाना इज़ एन अदर सोर्स ऑफ इनकम सो नाउ सम डेरी फार्मर्स वो क्या करते हैं कि मिल्क तो वो अपना ले रहे हैं मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी काव मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो स्टोर कर रहे हैं मिल्क लेकिन डायरेक्टली कंज्यूमर को ना बेच के वो जो वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है या जो वहाँ का नियरेस्ट टाउन होता है वहाँ पे मिल्क को ट्रांसपोर्ट करते हैं बेचते हैं ये क्या बन जाती है इनकी एक अडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है और राइट नाउ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इन वेरियस वे सम वर्क ऑन फार्म वाइल अदर देर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज तो जैसे कि हमने बात करी है रूरल एरियाज में जरूरी नहीं है कि सब लोग जो रूरल एरियाज में रहते हैं वो फार्म्स पे ही काम करते हैं लोग और भी तरीके से अपना लिविंग अर्न करते हैं नॉन फार्म एंड फार्म एक्टिविटीज आर टू टाइप ऑफ जॉब्स ठीक है नाउ फार्म एक्टिविटीज दो वर्किंग ऑन फार्म्स फार्म ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड सोइंग वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स एक टाइप के जो फार्मिंग ऑपरेशन है वो तो क्या हो गए कि लैंड को प्रिपेयर करा ठीक है फिर सीड सो करी फिर वीडिंग करी जो गंदे प्लांट्स हैं वो हटाए है। फिर हार्वेस्टिंग करी जब फाइनली उग गया क्रॉप तो उसको हटाया अब हम ये क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए किस पे डिपेंड करते हैं नेचर पे क्योंकि क्रॉप्स को क्या चाहिए उनको सनलाइट भी चाहिए उनको वाटर भी चाहिए तो हम नेचर पे डिपेंड करते हैं हेंस लाइफ फॉर दीज फार्मर्स रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स अब हम सबको पता है कि कुछ सीजन में ही कुछ क्रॉप अच्छे से ग्रो होते हैं और बाकी सीजन में वही सेम क्रॉप उतने अच्छे से नहीं ग्रो होते तो ये जो फार्मर्स की लाइफ होती है ये रिवॉल्व करती है अराउंड सीजन्स की ये कौन सा सीजन चल रहा है उसी हिसाब से उनको काम मिलता है ठीक है जैसे कि सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में तो लोग ज़्यादा बिजी हैं जब उनको सीड सो करनी है या जब क्रॉप्स हार्वेस्ट करने हैं तब तो ये फार्मर ज़्यादा बिजी होते हैं लेकिन बाकी टाइम ऑफ द ईयर जब क्रॉप उग रहा होता है या जब कोई सीड नहीं सो करी होती है तब फार्मर्स रिलेटिवली बिजी उतने नहीं होते हैं तो अब रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ़ द इंडिया ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स तो अब क्या है इंडिया में ही सेम ऐसे रूरल विलेजर्स ही अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं अब क्या है कि क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सीजनल है तो कई बार कुछ फार्मर्स ऐसे होते होंगे जिनके पास काम नहीं होता तब ये और काम ढूंढते हैं कि हम किसी और काम में काम कर लेते हैं ताकि दे सर्वाइव एंड अर्न ठीक है हाओ एवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन देर लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब दैट दे फेस हाउ एवर वॉट हैपन्ज दैट ये फार्मर्स और इनकी रूरल और अर्बन इस लाइफ में कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं सीजनल फार्मर्स में या फिर फार्मर्स में जो ऑल uh, अराउंड उगाते हैं तो अगर हम अब बात करें इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने वाले फार्मर्स की उनके क्रॉप्स अलग हैं उनका रीजन अलग है लेकिन देर आर सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉब्लम्स दैट दे माइट फेस ठीक है हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड ऑन द लैंड दैट दे कल्टिवेट तो जैसे वो सर्वाइव करें जैसे उनको अर्निंग मिल रही है वो किस पर डिपेंड करेगा जो वो लैंड कल्टिवेट करे करें, उस लैंड पर डिपेंड करेगा मैनी डिपेंड ऑन दीज लैंड टू वर्क इज लेबर अपार्ट फ्राम जस्ट फार्मिंग बहुत लोग इन लैंड पे डिपेंड करते हैं किस चीज़ पर लेबरर्स की तरह काम करने से क्योंकि इससे क्या होगा जिसका भी वो लैंड है जहाँ भी वो फार्मिंग जो कर रहा है वहाँ पे वो उनको फिर लेबरर्स के पैसे देगा उनके लेबर की मनी देगा डेली वेजेस टाइप ठीक है मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स वो बोलतेमेंट एंड टू ऑलो सेल इन द मार्केट तो मोस्ट फार्मर्स क्या करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिए तो उगाती है क्रॉप्स लेकिन वो मार्केट में बेचने के लिए भी क्रॉप्स उगाते हैं सम हैव टू टू सेल ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी अब कुछ लोगों को क्या करना होता है ट्रेडर्स जिनसे जैसे उन्होंने पैसे बोरो करे हैं जिससे अब पैसे नहीं लौटा पा रहे तो पैसे की जगह उनको क्रॉप देना पड़ता है ठीक है ना फॉर देयर सर्वाइवल मेनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क अवेन नो वर्क इज अवेलेबल तो बिकॉज उनको सर्वाइव करना होता है तो कई बार मैनी फैमिलीज हैव टू बोरो मनी फॉर दर वर्क और वेन नो वर्क इज़ अवेलेबल देर आर सम फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकज ऑफ लैंड बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़ अब रूरल एरियाज़ में भी रिच पुअर की डाइकॉटमी डिफ्रेंस एग्जिस्ट करता है तो ऐसे नहीं है कि सभी फार्मर्स पुअर हैं कुछ ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है बहुत सारे बिजनेसिस होते हैं और बहुत सारी एग्रीकल्चरल और अदर एक्टिविटीज़ से वो अपना घर चलाते हैं ठीक है लेकिन मोस्ट स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स फिशिंग फैमिलीज क्राफ्ट पर्सनस डू नॉट फाइंड अनफ वर्क टू कीप दैम एम्प्लॉयड थ्राउ द ईयर जो जिनका अपना लैंड है जिनके हम अपने लैंड की बात करें उनके पास तो चलो फिर भी थ्रू आउट द ईयर ऑक्यूपाइड रहने का काम होता है लेकिन छोटे फार्मर्स या जो लेबरर्स हैं या फिशिंग फैमिलीज हैं क्राफ्ट पर्सनज हैं उनके पास इतना काम नहीं होता कि वो पूरे साल एम्प्लॉयड रह पाएँ तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर छोटा सा चैप्टर है रूरल लाइवलीहुड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से पढ़िएगा अच्छे से हो जाएगा ईजी है फेयरलीजी कम्स फॉर वे लेस मार्क्स इन द एग्जाम यूजअली एक दो क्वेश्चन ही आएंगे चैप्टर से ज्यादा नहीं आएंगे यू जस्ट नीड टू कवर एनसीआर दैट्स इट फॉर नाउ दिस इज अनअकेडमी क्लास अ पार्ट एंड इट शुड डेफिनेटली डेफिनेटली बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एग्जाम प्रेपरेशन Social Studies six thirty PM. You get best educators. You get all CBSC curated content, fixed schedule, updated curriculum, one shot session. Everything that you need in short for your exam preparation for the chapter you will get here. Every important thing is covered, and I will be uploading more chapters. Keep coming back for more lessons. Keep watching. Keep sharing. Like this video, share it with your friends, subscribe to our channel Unacademy Class Apart, and you can make sure that you well in the exam. So, good luck and let's crack it with Unacademy. I will see you in the next lesson. Good luck and goodbye.